कि हमारा दिल क्यों नहीं बदलता जब हम कुरान पढ़ते हैं। अगर कुरान अल्लाह ने कह दिया ना कि हमने इसको आसान किया तो है कोई इसको समझने वाला, अल्लाह ने कह दिया ना वलक़द यस्सरनल कुरान कि हमने इसको आसान किया, तो मे यू कंसीडर इट, क्या आप इसको कंसीडर करोगे। देखिए बेटा इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो उर्दू तर्ज लिखाई पे नहीं है, लेकिन अरबिक जो है वो उसके 70% जो वर्ड्स हैं वो उर्दू में हैं, ठीक है। और इवन रस्मुल खत जो है यानी कि लिखने का तरीका अरबिक और उर्दू का सेम है। एक अगर हम इंग्लिश सीख सकते हैं तो हम अरबिक क्यों नहीं सीख सकते। अगर अल्लाह ने कहा ना कि वो आसान है, इट्स अ फैक्ट दैट वो बहुत आसान है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इतनी फसाहत है अरबी के अंदर कि मैं ये कहती हूँ कि तुम इबादत करते हो, 4 वर्ड्स होंगे, तुम इबादत करते हो। तो हम इसको अरबिक में कहेंगे तालमो, ता का मतलब तुम, आइन लाम मीम इल्म से निकला है। आप देख रहे होंगे मैम आपको कहती है वहाँ पे ग्रुप में कि इसके रूट वर्ड्स निकालें। रूट वर्ड अब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अरबिक इज वेरी इजी, वेरी इजी। ये देखें हम कहते हैं कि तुम इबादत करते हो, ठीक है। ये मैंने उर्दू में, ठीक है, यू आर सेइंग योर प्रेयर्स, ठीक, या यू से योर प्रेयर, सिंपल। अच्छा अरबिक में देखें कि ये देखें ता का मतलब तुम होता है, आइन लाम इल्म से निकला है। अब मैं इसको तालम, तुम इबादत करते हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगी, ये देखें। अच्छा अत्तईन का फार्मूला याद कर लें, अलिफ ता या और नून। आ का मतलब मैं, ता का मतलब तुम, या का मतलब वो, ना का मतलब हम। अब मैं अगर तालमू लिखती हूँ तो तक तुम इल्म हासिल करते हो, या ताबुदू, मैं तुम इबादत करते हो ना, ताबुदू तुम इबादत करते हो, ताबुदू तुम इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, या आबुदू वो इबादत करते हैं, एंड ना बुदू हम इबादत करते हैं। कोई मुश्किल? आइन बा दाल अब्द से निकला है, अब्द का मतलब बंदा होता है, बंदा बंदगी का मतलब होता है इबादत, गुलामी। कोई मुश्किल? हाँ जी समझ आई अरबी कितनी आसान है। फिर अब यहाँ पे देखें कि अरबी के अंदर कुछ इसमें ज़मीर होते हैं, छोटी है और ना तो आपने बड़ा कॉमन, रब्बी, रब से रब्बी बड़ा होगा, मेरा रब। छोटी है का मतलब होता है मेरी या मेरा, ना का मतलब हमारा।